सत्र का कैसे देखते हैं? बजट सत्र हंगामे में गया, बहुत ही निराशाजनक रहा बजट सत्र। किसानों के सवाल पे चर्चा नहीं हुआ, मेरे द्वारा लाए गए निजी विधेयक पे चर्चा नहीं होना विधायिका के लिए यह असम्मानजनक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और इसी को लेकर जब पूछा गया आरजेडी कोटे से विधायक सुधाकर सिंह से कि कैसा रहा सत्र, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बजट सत्र रहा, जो हंगामे में रहा, वो काफ़ी निराशाजनक रहा। और वहीं बात करें तो जिस तरह से दो बार और सत्र की कार्रवाई होती है, मानसून सत्र और जो ठंडे में सत्र चलती है, उनकी ड्यूरेशन बढ़ाने की बात की, क्या कुछ कर रहे हैं सुधाकर सिंह, पहले सुनिए उनकी बातों को। सत्र का कैसे देखते हैं? बजट सत्र हंगामे में गया, बहुत ही निराशाजनक रहा बजट सत्र। किसानों के सवाल पे चर्चा नहीं हुआ, मेरे द्वारा लाए गए निजी विधेयक पे चर्चा नहीं होना विधायिका के लिए यह असम्मानजनक है। लोगों को प्रयास करना होगा कि विधायिका अपने कार्य को सही तरीके से करे, इसके लिए भी दबाव बनाना होगा सभी स्टेक होल्डर्स को, समाज के। निजी विधेयकों पर चर्चा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। किसानों के सवाल पर भी नहीं बहस हुआ, आपने देखा होगा हंगामे में बजट सत्र डूब गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विधायिका प्रोडक्टिव होने के लिए विशेष प्रयास करना होगा। सत्र का जो संचालन जो दिखावे के लिए है, मानसून सत्र और जाड़े वाला सत्र, वह दोनों सत्र की का ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। और ये 30-35 दिन से बिहार विधानसभा जो अनुमान लगाया गया था कि 90 दिन सत्र चलेगा, उसको पुनर्जीवित करना होगा इस परंपरा को। लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी सवाल उठ रहे हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं सर, क्या? नहीं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे कोई सवाल नहीं उठाया हूँ बिहार में, सिवा दारूबंदी को लेकर के, कि वह एक ऐसी समस्या पैदा किया बिहार में जिसे सारी पुलिस फोर्स शराब पकड़ने में रह जाती है और इसे कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न होता है। और उस अगर इसके लिए ज़रूरत है तो उसके लिए अलग फोर्स बना देना चाहिए और बाकी पुलिस को स्पेयर करना होगा कि वह लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से देखे। लॉ एंड ऑर्डर बिहार में कमोबेश अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। सर, जातियों का कोड हो गया है, आपकी जाति है, क्या कोड मिला सर? जातीय जनगणना पे सर्वानुमति है संसद से, और जब संसद से सर्वानुमति हो तो उसमें कोई व्यक्तिगत राय नहीं होती। संसद से बड़ा कोई पंचायत नहीं इस देश में, और उस पंचायत ने तय किया था कि जातीय जनगणना होगा 2010-11, याद है मुझे अच्छी तरह से, पिछली बार भी, जिसका प्रकाशन नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस बार कोई ऐसा आंकड़े को नहीं कह करके खारिज कर देगा कि यह आंकड़े सत्यापित नहीं है, इसीलिए इसको हम जारी नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो आंकड़े जारी होंगे। भारतीय जनता पार्टी बाकायदा कोड लेके पैदा हुई है खुद, अगर उसके पास कोड नहीं होगा तो उसकी राजनीति मर जाएगी। कोई विकास का एजेंडा तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास, धर्म की राजनीति करते हैं लोग, ये कोड नहीं है क्या? हर आदमी कोड लेके पैदा हुआ है इस धरती पर, और उससे वह पहचान से मुक्ति नहीं चाहता, वो हर इंसान की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें तो लिखा ही है कि जो चाहते हैं कि हम लोग कोई धर्म नहीं मानते, हम कोई जाति नहीं मानते, उसके लिए भी कोड है ना, अलग से आप अपना आइडेंटिफाई करा दीजिए। कौन कह रहा है कि आप फला जात में नाम लिखवा लीजिए, फला धर्म में नाम लिखवा लीजिए, कहीं नहीं लिखा है। बाकायदा सभी के लिए, अन्य के लिए लिखा हुआ, उस कोड में जा सकते हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरह से सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि जो सत्र रहा वो निराशाजनक रहा, हंगामे में रहा, और जिस तरह से हम कृषि बिल लाने की कहे थे उस पर भी कोई चर्चा नहीं चली। इसका साफ है कि जो सत्र है वो हंगामेदार रहा और सत्र का कोई भी फायदा नहीं हुआ। इस तमाम खबरों को बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।